हाँ जी आ जाओ। तो जो आज हम लोगों का वीडियो होने वाला है वो किस पे होने वाला है थंबनेल से पता चल जाता है यार, तो ऐसे सरप्राइज तो रख ही नहीं सकते। तो यार जो आज हम लोगों का वीडियो है वो आप लोगों का ट्रैवलिंग एजेंट्स पे है। अब ट्रैवल करना, ट्रिप्स पे जाना और अच्छी अच्छी फोटोज डालना किसको नहीं पसंद है, और इनफैक्ट आसपास ही नहीं दूसरी कंट्री में भी ट्रैवल करते हैं लोग। तो जो आज का अपना वीडियो है यार वो आप कहीं भी ट्रैवल करो सब जगह आप लोगों के काम आएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है यार अपने गैजेट्स हमेशा मल्टी फंक्शनल होते हैं, तो अगर आप ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो आपका घर पे बैठने का मन है तो भी आप लोगों की चीज़ें काम आने वाली है, तो टेंशन मत लो और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट है गाइस ये है अपना इंटरनेशनल अडॉप्टर। ये अडॉप्टर मैं ओपन कर लेता हूँ यार, तो ओपन हो जाए टन टन वो कवर में दिया यार चलो ओपन करते हैं, कवर निकाला जाए और स्टिकर मैं इसका हटा लेता हूँ। तो ये है गाइस हम लोग का इंटरनेशनल अडॉप्टर। इंटरनेशनल मीन्स अगर आप बाहर कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो कंट्री के बाहर, तो ये आप लोग काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो जैसे कि इन लोगों ने बोला यार ये 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्क कर सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पे है गाइस एक सॉकेट एंड पीछे की साइड में एक सॉकेट है, तो आप देख सकते हो यार ये डिफरेंट टाइप के सॉकेट्स है, मींस कि अगर डिफरेंट टाइप का अपना प्लग है तो फिर आराम से कनेक्ट हो पाएगा। और इसको भी हम लोग और फर्दर ओपन कर सकते हैं, इसके बाद ये काफ़ी तरीके से ओपन हो सकता है। तो पूरा ओपन करने के बाद आप लोगों को तीन अलग अलग टाइप के प्लग्स मिल जाएंगे, और ये हर कंट्री के टाइप के हिसाब से बनाए गए हैं। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो इन लोगों ने एम्पियर और वोल्टेज दे रखा है कि कितने के लिए बेस्ट सूटेबल है। और जैसे कि मैंने बोला था अगर आप घर पे भी हो तो भी आप काम आ सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर आपने बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कराई है, जैसे कि दुबई से आपने कुछ लिया है, तो फिर उसके हो सकते हैं कि आप लोगों को जो सॉकेट मिलेगा वो अलग मिले, तो उधर के जो चार्जिंग सॉकेट्स आते हैं ना वो सब इसमें काफ़ी आराम से लग जाएंगे। और इनफैक्ट मेरे को ये अलग काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग के पास 3 पिन प्लग होते हैं और यहाँ पे 2 पिन सॉकेट होते हैं, तो ये 2 पिन सॉकेट में काफ़ी आराम से लग जाएगा, तो उसके लिए अच्छा है। और वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बाहर से कंट्री से नहीं मंगाया, बट जो भी चीज़ें मेरे पास बाहर की थी वो सब मैंने टेस्ट की यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली इनमें सब लग रहा है एंड सूटेबल भी है मेरे ख्याल से। और सब अपना यूज़ कर कराने के बाद आप लोग जैसे देख सकते हो यार कितने अच्छे से कॉम्पैक्ट साइज में ये फोल्ड हो जाता है, तो यही मेरे को यूनिक चीज़ लगी कि अच्छे से फोल्ड हो जाता है, तो ट्रैवल करने के लिए काफ़ी सिंपल है ये। तो फिर अगर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हो तो ऐसी एक चीज़ कैरी कर लेना। और यार आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये ऐप को मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊंगा। इस ऐप का नाम है IND Money, एंड इस ऐप को ना सुपर मनी ऐप भी बोलते हैं, वो आप लोगों को पता चलेगा अभी। तो ये जो ऐप है ना गाइस वो आप लोगों के सब के सब इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंसेस और लोन जो भी है ना वो सब ट्रैक कर लेगा आराम से, एंड आई मीन इट सब के सब, तो फिर इसमें काफ़ी आराम से ट्रैक हो जाते हैं। तो एक बार ये ऐप में साइन अप करने के बाद आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों के जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे ना वो काफ़ी आराम से ट्रैक हो जाते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का हो गया, स्टॉक का हो गया, वो सब आराम से ट्रैक हो रहा है। जो आपका फिर सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा रहेगा ना वो भी ट्रैक हो जाता है, और इवन आप म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इसी ऐप से इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और इस ऐप की एक और अच्छी चीज़ है यार, इसमें जो आपका टोटल नेटवर्थ रहेगा ना सब जगह से कैलकुलेट करके ये यहीं पर दिखा देगा ऊपर, और जो भी आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे ना वो भी सब भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद मेरे को काफी अच्छी चीज लगी, इसमें US स्टॉक्स भी आप परचेस कर सकते हो विद 0 ब्रोकरेज फीस, मतलब एप्पल टेस्ला इन सब में भी काफी आराम से इन्वेस्ट कर पाओगे आप लोग। और फिर आप अपना क्रेडिट स्कोर भी यहीं से चेक कर सकते हो यार, और कोई लोन चल रहा है तो वो भी आप लोग यहीं पे दिख जाएगा। प्लस जो भी आप लोगों को अपना फाइनेंशियल गोल प्लान करना है तो यहीं से प्लान कर पाओगे काफी आराम से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फिर काफी आराम से फाइनेंशियल गोल भी प्लान कर पाओगे। और फिर ना यार ये ऐप आप लोगों को डेली बेसिस पे एडवाइस भी भेजता है यार आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और अलर्ट भी कर देगा अगर किसी इन्वेस्टमेंट से लो रिटर्न आ रहे हैं खराब रिटर्न आ रहे हैं। तो अब समझा बॉस इस ऐप को सुपर मनी ऐप क्यों बोलते हैं, और ये ऐप बिल्कुल सेफ है, सेफ रजिस्टर्ड है ये, तो आराम से जाके यार आप लोग चेकआउट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, इसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना जाके। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं फिर अब। ऑलराइट, तो चलो फिर जो अपनी अगली चीज है यार वो है गाइस इसका नाम है ऑन लाइट। तो फिर गाइस ये वैसे लाइट भी है, ये लाइट भी है और ये ऑनलाइन भी है तो इसके अब फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। ओपन की जाए तो ये गाइस एक लाइट है, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें फ्रंट साइड में इसकी 2 LED लाइट्स हैं, और चलो सब स्टिकर वगैरह हटा लिए जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यार काफ़ी साइज में छोटी है और ये काफ़ी आराम से पोर्टेबल भी हो जाएगी, तो ये आप लोगों को ट्रैवलिंग में बहुत काम आएगी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो इसका बटन है जैसे कि ऑफ पे है, फिर आप इसका लो वाला करते हो तो फिर लो पे ऑन हो जाएगी, फिर उसके बाद ऑफ, फिर हाई, तो फिर हाई पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ऑन हो जाती है, जैसे कि आप लोग दिख रहा है यार बहुत अच्छी खासी ब्राइटनेस है इसकी। एंड जस्ट टू कैरी इट मोर इजीली इसका ऊपर की साइड में ऐसे होल्डर है, तो आराम से कैरी कर सकते हो। और पीछे की साइड में ना यार यहाँ पे इसमें स्पेस है, तो आप ऐसे कोई भी नेल में भी अटैच कर पाओगे। जो इसका मेन एलिमेंट जो मेरे को लगा और इसकी वजह से मैंने इसे इंक्लूड किया यार, इसमें सोलर चार्जिंग है। मुझे लगता है यार ट्रैवलिंग में अगर ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें सोलर चार्जिंग हो, क्योंकि कैसा है कि अगर आप लोगों के पास मेन ये रहता है कि आप लोगों के पास पावर सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं है या फिर कहीं पर बाहर है, तो सोलर चार्जिंग तो है एटलीस्ट। अब मैंने इसे सोलर पैनल पर टेस्ट किया यार, काफ़ी बढ़िया चार्ज हो रहा था, अच्छी सनलाइट में तो अच्छे से चार्ज होता ही है। और इनफैक्ट जैसे कि मैंने अंधेरे से एकदम हल्का से भी ब्राइट लाइट में लाया ना बाहर, जो नेचुरल लाइट रहती है उसमें भी चार्ज होना स्टार्ट हो गया था, मतलब कुछ खास सनलाइट नहीं था बट फिर भी अच्छे से चार्ज हो रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ट्रैवलिंग में अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप लोग इसे। तो जी चलो जो अपनी अगली चीज़ है वो है गाइस IPX8 वाटरप्रूफ बैग। तो अब इसमें मेरे को टेस्ट करना था एक्चुअली में, और देखो वाटर रेजिस्टेंट तक तो ठीक है, बट ये वाटरप्रूफ की बात हो रही है यार
इसके अंदर बेसिकली आप लोग इसे वाटरप्रूफ मींस मतलब हम लोग बात करें स्विमिंग पूल के अंदर ले जाने की, तो ये हम लोग को टेस्ट करना है और मेरे को कुछ ऐसा चाहिए भी था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ओवरऑल पाउच देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे पाउच है हम लोगों के पास और जिसको पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छा ये दिया है, तो आप बेसिकली इसको काफ़ी आराम से होल्ड कर पाओगे एंड लेंथ भी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो आप लोग काफ़ी आराम से। तो इसमें यहाँ पे लेंथ एडजस्ट हो जाती है। तो ये हम लोग आता है मेन होल्डर। तो मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसे होल्डर की सबसे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि फर्स्ट तो ये पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और दूसरा ये फ़ोन अंदर से भी वर्क करना चाहिए, मतलब टच स्क्रीन वर्क करना चाहिए। तो यहाँ से कुछ जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, जैसे कि ये होल्डर है तो इसे ओपन करने के लिए ना इन लोगों ने 3-4 फोल्ड्स में ओपन कराया है। वो तो यहाँ पे एक्चुअली में दो सील टाइट लॉक्स हैं, तो एक ये हो गया और एक ये ऊपर की साइड में, तो ये अच्छी बात है, एक्स्ट्रा सेफ्टी। अपन लोग निकाल लेते हैं इसका कवर प्लास्टिक और फ़ोन का, चलो मैं कवर भी निकाल देता हूँ, एकदम क्लीन फ़ोन जाएगा अब जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है और इसे मैं घुसा रहा हूँ अंदर। ओहो, गूगल ऑन हो गए। कुछ नहीं सर, आपको ऑन नहीं होना है यहाँ पे। ओके गूगल, हमेशा गलत टाइम पे क्यों काम करता है यार, नहीं चाहिए। ओ, टच स्क्रीन वर्क कर रहा है, एटलीस्ट हमें ये पता लग गया। रुक जाओ, मैं सील टाइट कर दूँ। सील 1 लॉक्ड, सील 2 लॉक्ड, फिर उसके बाद रोटेट, फिर उसके बाद फिर अटैच वेलक्रो में, परफेक्ट। फिर एक इसके बाद फाइनल लॉक भी हम लोग लगा देते हैं। टन टन, पावर इंजन तैयार और टच जैसे कि मेरे को समझ में आ रहा है अच्छे से वर्क कर रहा है सब चीज़ें, टच स्क्रीन अपनी। अब यार कहने के लिए तो सब कहते थे बट बिना पानी के ऐसे कैसे टेस्ट होगा। तो यार मम्मी से बच बचा के मैं उठा के ले आया किचन से और इसमें पूरा पानी भर दिया है ऊपर तक। तो ये है हम लोगों का पानी, वाह 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 वाह। हाँ, ये है हम लोगों का फ़ोन। चलो कैमरा भी ऑन कर देते हैं, डुबाने से पहले रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेंगे। मैंने फ़ोन उल्टा डाला है, तो चलो फ़ोन उल्टा घुमाने के, जैसे कि अब आप लोगों को कैमरा दिख रहा है पीछे की साइड से, अब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो ये मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट, हो गई है। भगवान जी थोड़ा देख लेना, संभाल लेना, अगर संभाल जाए तो। चलो 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 चलो, वोप 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 वोप। हाँ, और इसे पूरा अंदर तक घुसाते हैं। गया अंदर, रोटेट, अच्छे से डूबो, एक डुबकी, दो डुबकी। अब इसको निकाल लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वर्क तो आराम से कर रहा है, टच स्क्रीन भी वर्क कर रही है। मुझे तो ऐसा सच नहीं लग रहा कि इसमें से कुछ पानी गया है अंदर, सब जो भी पानी है बाहर दिख रहा है। अपने लॉक्स खोल लेते हैं, फर्स्ट लॉक ओपन, सेकेंड लॉक ओपन। अब निकलेगा फ़ोन अपना, एक ड्रॉप भी है क्या? एक भी ड्रॉप नहीं है, जो हल्का फुल्का पानी लगा है ना वो भी मेरे हाथ के थ्रू लगा है। तो ये मैं बोल सकता हूँ यार प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर रहे हैं। एंड एक अच्छा आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोग कुछ ऐसा वाटरप्रूफ वाला ले रहे हो ना कवर, तो बॉस अच्छी क्वालिटी के लेना प्लीज़, क्योंकि आपका 20-30 हज़ार का फ़ोन ख़राब हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, सिंस अभी पानी है मेरे पास। तो ये गाइस कॉइन टॉवर्स हैं, ये मुझसे सबको ही पता है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है यार कि ये कॉइन टॉवर्स कुछ इस साइज़ की आती हैं, और जैसे कि आप लोग जैसे कितना छोटा है, इसके ऊपर प्रिंटेड भी है टॉवल्स, और इनफैक्ट ये अभी रेस्टोरेंट्स में भी मिलना स्टार्ट हो गई, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। तो कैसा है कि ये इतना छोटा सा रहता है और काफ़ी छोटा साइज़ में है, पॉकेट में आराम से चला जाता है। फिर हम लोग इसे डालेंगे पानी के अंदर, वो घुस गया पूरा अंदर। आ जा भाई ऊपर। तो यार ये पूरा ओपन हो चुका है, वाह 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 वाह। पूरा आप लोगों के लिए एक वेट टॉवल है बेसिकली, अगर आपको फेस हल्का रिफ्रेश करना है और ऐसे हाथ हाथ पोछना है ना वेट टॉवल के थ्रू, तो काफ़ी आराम से आप पोछ सकते हो। तो काफ़ी छोटा सा अपना प्यारा सा ये टॉवल बन जाता है। तो चलो जो अपना इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है गाइस, इसे प्यार से बुलाते हैं स्लीपिंग हेडफोन्स। तो यार ये काफ़ी अच्छे रहते हैं और बेस्ट चीज़ मेरे को ये ट्रैवलिंग में ही लगता है, और मेरे भी ना सबसे ज़्यादा काम ये ट्रैवलिंग में ही आया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, ये एक प्रॉपर बैंडाना जैसा लगता है, एंड इसके साथ आप लोगों को इसका वारंटी कार्ड आ जाता है, तो 6 मंथ की वारंटी भी आप लोगों को इसमें मिलती है। अब चलो ये जो बैंडाना है इस पे आ जाते हैं। तो बेसिकली ना ये बैंडाना के अंदर एक्चुअली में हेडफोन्स फिटेड है, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो मेन जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसका कंट्रोलर है गाइस, तो प्ले पॉज सब हो जाएगा, एंड उसके बाद प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए है ये। एंड यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं ऐसे दिखाऊंगा थोड़ा सा, तो यार ये एक साइड का हेडफोन है और ये अंदर पूरा लगा हुआ है, तो हम लोगों को इतना कुछ पता नहीं चलता। एंड ऐसे ही दूसरी साइड में भी है। तो ये तो हो गया हम लोगों के हेडफोन्स, अभी मैं पहन भी लेता हूँ उसे। हाँ, तो चलो मैंने यहाँ पे पहन लिया है और दोनों साइड में हेडफोन्स आ चुके हैं।
अभी एक बिंदी दबाने का टाइम है, पावर ऑन, पेयरिंग आंटी ने बोला है ऐसा सा, तो हम लोग का यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। और चलो कनेक्ट कर लेते हैं स्पीकर से। ओ कनेक्टेड हो चुका है ये कनेक्ट, तो सॉन्ग्स भी मैं आप लोग के लिए यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। ओहो हाँ ज़्यादा जोन में नहीं जाते, मुझे पता है मैं ऐसे ऐसे बहुत उल्लू लग रहा हूँ। और इनफैक्ट यार मैंने इसे पहले भी ट्राई किया और मेरे लिए काफ़ी आराम से बहुत अच्छा वर्क करता आ रहा है ये। और जैसा कि गाइज मैंने आप लोगों को बताया, ये सबसे अच्छा वक्त ना सोते टाइम ही करता है, जब आप बेड पे हो आराम से रोल कर सकते हो बेड पे और कुछ भी बिल्कुल कानों में प्रेशर नहीं आता। एंड ट्रैवलिंग पे जैसे कि हम लोग गए ऐसे सीट पे लेटे हुए हैं तो भी ना बिल्कुल काफ़ी आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो और दूसरे लोगों को पता भी नहीं चलता कि आप लोगों ने हेडफोन्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, तो नॉर्मल बैंड है ना जैसे लगता है। और मस्त ट्रैवल करते करते गाने सुनो, मूवीज़ देखो, काफ़ी आराम से सब हो जाता है। तो ये है हम लोगों के स्लीपिंग या फिर स्पोर्ट्स हेडफोन, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी काम आ सकते हैं, काफ़ी आराम से आप इन्हें पहन के रनिंग ये सब भी काफ़ी आराम से कर पाओगे। तो चलो बॉस ये थे इस वीडियो के गैजेट्स, और आप लोग होपफुली ट्रैवल करते टाइम या अगर ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो घर पे हो तो भी आप लोग होपफुली कहीं ना कहीं काम आएंगे ये सब। एंड यही हम लोगों की वीडियो का पर्पस रहता है यार, बजट में चीज़ें आप लोग के काम आनी चाहिए, ऐसी चीज़ें दिखाओ। तो मैं अपनी साइड से ऐसे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए अपनी साइड से दिखाता रहूँगा। और यार जैसे कि आप लोगों को पता है हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन रहता है, जाके आराम से चेक कर सकते हो। और एक और काफ़ी स्पेशल चीज़ कि अभी आ रही है अमेजोन की काफ़ी अच्छी सेल, तो क्या है कि प्राइस और कम होंगे डील्स के और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बहुत सारे आने वाले हैं। जो भी अच्छे डील्स आएंगे ना वो सब हम आप लोगों को ट्रैक करके टेलीग्राम चैनल पर अच्छे से बता देंगे, ताकि वो सेल का भी ना पूरा बेनिफिट ले पाओ, तो उधर जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस एक और चीज़ आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी बताई थी, वो ऐप है गाइस INT मनी, यार बहुत अच्छी ऐप है, मैं उसे पर्सनली यूज़ करता हूँ इसीलिए मैं आप लोगों को उसके बारे में अच्छे से बता पाया। तो यार वो भी जाके चेक कर लेना, डाउनलोड कर लेना, तो उसके भी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। या फुकरों से लड़के खामक खा पाते गए, सीख दूसरों से चल के हमको कभी मिलती नहीं जीतना दिल की चीज।